किसान भाइयों, आज मैं डाबका गांव में हूं और हमारे सुनील भाई हैं, सुनील मलिक जी, और मैं इनके यहां हूं। इनके पास में ये बहुत बड़ा ज़बरदस्त ट्रैक्टर है, न्यू हॉलैंड 6510 4x4। ये कितनी HP का जी? 65। ये 65 HP में है। अच्छा, जरा आप चला रहे, कितने घंटे चल गया होगा ये? 100 घंटे चला होगा आसाम में। अच्छा, 100 घंटे। इसका तेल का एवरेज क्या है? तेल वही 7 लीटर के करीब लेता है रोटावेटर पे और 5 टीलर पे। जैसे रोटावेटर पे 7 लीटर ले रहा है तो कितना जुताई कर दे? 7 लीटर एक घंटे में 1 एकड़ काट दे आराम से। मतलब 1 लीटर से ज़्यादा खर्चा बैठता है? 1 लीटर ज़्यादा बैठता है। 8 फुटा रोटावेटर। अच्छा, रोटा 8 फुटा। 8 फुटा। बाकी वैसे इंजन में कोई शिकायत दिखाई? ना, कोई कुछ। बढ़िया चीज़ है, बिल्कुल स्मूथ। अच्छा, साउंड स्मूथ है, लोड अच्छा खींचे सभी। तो ये आपने जैसे छूट मिलती है अनुदान, उसके द्वारा लिया था? नहीं, नगद लिया था। नगद, किसान भाई इनका नगद लिया हुआ है। अच्छा, जरा 4x4 इसका क्या लाभ दिखाई दिया आपको? कोई आवश्यकता पड़ी थी इसकी? हाँ, इसका जो जुताई पे जरा रोटावेटर पे तो जरूरत पड़ती नहीं इसकी। अच्छा, और जरा टीलर है, हैरो है, ट्रॉली है, उसमें 4x4 लगा दो तो डोंडी ताकत बन जाओ। ट्रॉली में तो कितना चाहे 100 क्विंटल वजन खेत में निकाल रहा होगा। तो जैसा आपने 4x4, इसमें कुछ कमी तो नहीं दिखाई दी आपको? ना ना, कुछ नहीं। कुछ नहीं है, बेहतरीन चीज़। तो ये कितने का आया था ये उस टाइम? जो आया था ये 10,40,000 का। भाइयों, इसकी 10,40,000 कीमत थी, अब तो और बढ़ गई होगी। एक बार सेल्फ मार दियो, स्टार्ट कर दो एक बार। ये 16 के टायर है, कौन से? 16 नोट 28 30 के टायर हैं इसमें। भाइयों, अब इसकी आवाज़ सुनना। क्या शानदार आवाज़ है! बहुत ऊंचा ट्रैक्टर है जी। बंद करो, बैठ जाओ, बैठ जाओ। किसान भाइयों, बहुत बढ़िया जी लगा इस पे। पेडल बहुत हार्ड है इसके, ये इसमें 3 गियर हैं। इससे स्टार्ट है, चाबी से ही बंद होता है। और ये लो हाई मीडियम भी है इसमें। ये क्या दिया जी? ये शटल गियर है इसका। शटल का सारे गियर कोई से भी गियर में हो, आगे पीछे इसी से चलेगा। अच्छा, इसी चल जाएगा, बार बार गियर बदलने की जैसे हल्का है, कोई बिगाड़ सुधार तो नहीं आया? शटल गियर। और ये क्या जी? ये एक्सीलेटर है इसका। अच्छा, ये है एक्सीलेटर। ये मंदा होगा जब आगे को बढ़ेगा। पैर का भी है? अब स्लो है बिल्कुल। पायदान बहुत बढ़िया है, मान लो जरा किसी ड्राइंग रूम में बैठे हों। और फ्रीज की वजह से उतार रखी, वहाँ हाइट ज़्यादा है इसकी। अच्छा, तो इस वजह से उतार रखी, गैराज में जाने में दिक्कत हो। अच्छा, टीलर पे क्या एवरेज आवे इसका जुताई का? 5-6 काम करेगा, जितना लोड लेगा उतने तेल कोई भी ट्रैक्टर हो उतना ही ज्यादा लेगा। जैसे आपने इससे पहले और चलाए हो 40-50? मेसी था 76 मॉडल, सादा वो चलाया हमने 30 साल कम से कम। सादे वाला तो खैर छोटा ट्रैक्टर है। 98 मॉडल, अब फार्म ट्रैक 60 है। अच्छा, फार्म ट्रैक 60 का खर्चा जुताई में इसका ज्यादा है उसका ज्यादा है जी? उसका बहुत कम है। इससे कम है वो तो 3.5 लीटर से ज्यादा लेता चार। तो फार्म ट्रैक 60 से ज्यादा खर्चा है इसका? जो 98 ना बाद में आए ना फार्म ट्रैक भी जी, वे ज़्यादा तेल लें, ये 98 मॉडल लेता है, इसी वजह से हम उसे बेचते नहीं। आज तक जो का तो कंपनी का है, सील्ड बिल्कुल 60 कोई भी आज तक कहीं कोई चाबी नहीं लगी। अच्छा जी, तो इसका खर्च ज़्यादा, क्योंकि जब बड़ा ट्रैक्टर तो खर्चा कम होना चाहिए, लोड तो पड़ता ही नहीं इस पर। एम्प्लीमेंट बड़े हैं ना। नहीं, जैसे आप तेल ले रहा है 7 लीटर ले रहा है, 8 लीटर ले रहा, काम भी तो 2 एकड़ कर रहा उसके उसमें। अच्छा, वही एवरेज उसका बैठा। तो ये टीलर तो कम से कम निकाल देगा 20-25 बीघे घंटे में। हाँ, आराम से 10-12 2 एकड़ को डबल कर देगा आराम से। 13 का टीलर है। वो भी दिखवाऊंगे आपको, टीलर भी दिखवाऊंगे। किसान भाइयों, बहुत जबरदस्त ट्रैक्टर है और सारे चकों में 100-150 बीघे में पाइपलाइन डल लगी, उसकी भी वीडियो दिखवाऊंगा। अच्छा, तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना। नमस्कार।